चलिए आगे बढ़ते हैं। जानकारी दे दें कि लोकसभा चुनाव जीतने और मिशन 25 को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस जुटी हुई है और इसी कड़ी में 3 दिन से 8 सिविल लाइन्स में बैठकों का दौर जारी है। आज श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू इस सीट को लेकर चर्चा की गई। वहीं इस दौरान सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, अविनाश पांडे, काजी निजामुद्दीन समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठकों में स्थानीय नेताओं के साथ मंथन कर उम्मीदवारों के नामों का पैनल तैयार किया जा रहा है। वहीं बताते हैं आपको कि 25 जनवरी तक सभी सीटों की रिपोर्ट AICC को भेजी जानी है और इसी के चलते कांग्रेस सभी सीटों पर पैनल तैयार करने में जुटी हुई है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है, आज कौन कौन से जिलों में मंथन किया गया, किस तरीके से यहां पर तैयारी की गई, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नरेश, आज पूरा दिन क्या कुछ खास रहा, अभी तक क्या कुछ अपडेट है? देखिए पूनम, आज जो है वो 4 जिलों के लिए समय तय था कि 4 जो लोकसभा है उन सीटों पे चर्चा होगी, मंथन होगी कि किस तरह उन पे विजय हासिल किया जाए। और जो ये मैं आपको अपडेट कर दूं कि जो बीकानेर है उसकी मीटिंग हो चुकी है, चूरू और गंगानगर है उनकी मीटिंग है वो जारी है, और इन क्षेत्र के जितने भी प्रतिनिधि है, चाहे वो विधायक है या इस एरिया के जो भी मंत्री है या पूर्व विधायक है, पहले जो चुनाव लड़ चुके हैं, कार्यकर्ता है, पार्टी पदाधिकारी है, वो सभी मीटिंग में मौजूद है और उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। बीकानेर की मीटिंग खत्म होने के बाद रामेश्वर डूडी से हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि किस तरह जो है वो लोग फीडबैक रख रहे हैं। उनका जो मुख्य बात ये थी कि लोकसभा से पहले सरकार ने जो चुनावी घोषणा की है उन चुनावी घोषणा को समयबद्ध पूरा किया जाए, कर्मचारियों के लिए जो बातें की थी उन कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनको भी जो है पूरी की जाए, इसके अलावा कार्यकर्ताओं की जो भी मांगे हैं उनके जो मुद्दे हैं उनको सुना जाए और उनको दूर किया जाए, इस तरह की जो बातें हैं इन मीटिंग में निकल के आई है। और सभी कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले इन सब का अगर कामों को गति दी जाएगी तो सर जो कांग्रेस है वो इन चुनाव को जीत सकती है। और जो मीटिंग है उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, PCC प्रमुख सचिन पायलट, अविनाश पांडे और पार्टी के जो और पदाधिकारी है वो मौजूद है। कार्यकर्ताओं से बात करने का जो मकसद है पूनम वो यही है कि एक नब्ज टटोली जाए कि जो लोकसभा चुनाव आने वाले उन लोकसभा चुनावों में पार्टी कैसे जीत दर्ज करे। देखिए वहाँ से कैंडिडेट कौन होगा इसके लिए तो जिलेवार जो मीटिंग है वो हुई है, वहाँ से जिन्होंने आवेदन दिए उनके नाम भी यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसे में वो कोई नामों पर या दावेदारों को लेके कोई यहाँ पे चर्चा नहीं हो रही, चर्चा इस बात को लेके हो रही है कि जो संबंधित लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पे क्या कमी खामी है किसी भी स्तर पे, चाहे संगठन स्तर पे हो या कोई कार्यकर्ताओं के कहीं कोई नाराजगी तो नहीं, इन सब मुद्दों को लेकर उनसे बात की जा रही है, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है और कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर ही जो कांग्रेस है वो आगे की रणनीति तय करेगी। यानी कि कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। नरेश जी जरा ये बताइए, क्योंकि आपने भी यह बताया है कि नाम पर फिलहाल चर्चा हो रही है, उस पर मुहर लगेगी हालांकि बात का विषय, लेकिन उन जिलों में जीत कहां से, कैसे और किस तरीके से हासिल की जाए, तो इसका पैमाना क्या होगा, क्या आधार होगा, किस तरीके की रणनीति होगी, कैसे उस जिले को जीता जाए? देखिए जहां तक कैंडिडेट चुनाव की बात है तो वो तो एक बड़ा मुद्दा है ही, हालांकि उस बात पे यहाँ चर्चा नहीं हो रही क्योंकि उसके लिए एक दूसरी टीम काम कर रही है, लेकिन जो यहाँ कार्यकर्ता और पदाधिकारी को बुलाया गया है उनकी दो चीजें हैं। पहली चीज की कार्यकर्ताओं को सुना जा रहा है, उनकी राय जानी जा रही है ताकि उनमें किसी तरह का असंतोष ना रहे, और दूसरी चीज वहाँ की जो जमीनी हकीकत है वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही जो है वो जानी जा रही है ताकि अगर कहीं कमी हो, देखिए पूनम, तो उस कमी को समय रहता पूरा किया जाए। अगर कहीं पे संगठन में कोई कमी है, संगठन कहीं कमजोर है, तो वहाँ पे कैसे क्या नियुक्ति हो सकती है, किस तरह संगठन को दुरुस्त किया जा सकता है, ये बात भी कार्यकर्ताओं से जो है वो पूछी जा रही है। बिल्कुल, तो ताकि